Hello friends, today I will be show you in this video how to solve linear equation in one variables. Okay friends, जो linear equation होता है friends, वो math का part होता है जो आपको 9th से लेकर के 12th तक के math में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए. ठीक है friends? तो friends आज मैं आपको बताऊंगा कैसे linear equation solve करते हैं. ठीक है friends? Friends पहले आपको बताऊंगा कि friends वेरिएबल क्या होता है एंड कांस्टेंट क्या होता है. ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, वेरिएबल वो होता है विच वैल्यू मे बी चेंज. ठीक है फ्रेंड्स, वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू फ्रेंड्स इट मीन्स चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, एग्जाम्पल वेरिएबल का होता है फ्रेंड्स एक्स वाई जेड ए बी सी. इट मीन्स फ्रेंड्स ऑल अल्फाबेटिकल फंक्शन होते हैं वो वेरिएबल होते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. ठीक है फ्रेंड्स, एंड अनदर थिंग्स है फ्रेंड्स कॉन्स्टेंट विच वैल्यू नेवर चेंज. ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्स्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. ठीक है फ्रेंड्स, एग्जांपल फ्रेंड्स 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया. इट मींस फ्रेंड्स इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. अगर हम 1 लिखेंगे तो 1 ही वो माना जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, बट यहाँ पे आप देखोगे x अगर लिख रहे हो आप तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे हम लेट करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, अगर x की वैल्यू 1 लेट करते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 करते हैं तो 2 हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिफरेंस होता है फ्रेंड्स कॉन्स्टेंट और वेरिएबल में. ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अब नेक्स्ट आपको बताऊंगा मैं कि साइन चेंज प्रॉपर्टीज होती है जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें क्या होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लो फ्रेंड्स, जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो लीनियर इक्वेशन को इक्वल टू जीरो करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्व करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स जनरली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में फ्रेंड्स हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को इक्वल टू जीरो करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए साइन चेंज होती है जब इक्वल टू जीरो करते हैं. तो वो फ्रेंड्स आप मैं यहाँ बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर प्लस है तो अगर इक्वल टू जीरो जाएगा फ्रेंड्स तो वो हो जाएगा माइनस. अगर फ्रेंड्स माइनस है इधर एलएचएस में तो वो अगर इक्वल टू जीरो जाएगा फ्रेंड्स तो प्लस हो जाएगा. अगर मल्टीप्लाई है फ्रेंड्स एलएचएस में तो वो इक्वल टू जीरो आरएचएस में जाएगा फ्रेंड्स तो वो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, एज इट इज डिवाइड अगर फ्रेंड्स एलएचएस में तो इक्वल टू जीरो जाएगा फ्रेंड्स तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि रूल्स क्या होते हैं जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में यूज करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पहला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सेकंड होता है फ्रेंड्स सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. ठीक है फ्रेंड्स, जो आपको आप सॉल्व करोगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो ये आपको यूज करने पड़ेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले फ्रेंड्स बताता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है फ्रेंड्स, लेट फ्रेंड्स यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी ओपन सी एक्स प्लस डी इक्वल पी ओपन क्यू. ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है यहाँ पे हम यूज करेंगे. तो फ्रेंड्स इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कर लेंगे यहाँ पे क्यू फ्रेंड्स क्यू मल्टीप्लाई होगा इससे ए एक्स प्लस बी एंड इक्वल टू ये फ्रेंड्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा पी सी एक्स प्लस डी. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसा हो जाएगा. अब हमारा इक्वल हो गया फ्रेंड्स, ये एलएचएस हो गया एंड ये आरएचएस हो गया. ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊँगा सेपरेटिंग वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट. ठीक है फ्रेंड्स, सेपरेटिंग वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूज करते हैं लीनियर इक्वेशन में मेथड रूल्स है फ्रेंड्स. इसमें हम क्या करते हैं कि जब लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक साइड कर देते हैं और कांस्टेंट को केवल एक साइड कर देते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स मैं आपको एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा अभी सॉल्व करके कैसे करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है फ्रेंड्स क्या करते हैं, वन साइड ओनली वेरिएबल कर लेते हैं एंड अनदर साइड फ्रेंड्स क्या कर लेते हैं हम कॉन्स्टेंट ओनली. ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे सॉल्व करते हैं.
फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। फ्रेंड्स ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ पे केवल ये वन वेरिएबल इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हो केवल एक्स वेरिएबल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेंड्स आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, आप 10th या 9th क्लास में पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें फ्रेंड्स आपको दो वेरिएबल मिलेंगे एक्स एंड वाई। ठीक है फ्रेंड्स, बट यहाँ पे ओनली एक्स है इक्वेशन में, तो इसलिए इसको हम फ्रेंड्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। और फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने का मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप देख रहे हो यहाँ पे फ्रेंड्स इधर वेरिएबल 7x है, ठीक है कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, और इधर वेरिएबल है फ्रेंड्स 2x। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, सेपरेटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा यूज, सेपरेटिंग करेंगे वेरिएबल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस 7x को हम यही रहने देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये आप देख रहे हो यहाँ पे 2x है, तो फ्रेंड्स वेरिएबल को हम एक साइड करेंगे वन साइड एंड कॉन्स्टेंट को अदर साइड करेंगे, तो यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट है नहीं, इसलिए एज इट इज इसको रहने देंगे। और 2x को क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इधर लाएंगे। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2x जो है फ्रेंड्स वो प्लस 2x का है, प्लस है, तो फ्रेंड्स प्लस क्या होता है फ्रेंड्स, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या बच जाएगा आपको 25 प्लस का। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा माइनस करोगे तो आपको बच जाएगा 5x इक्वल टू 25। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है लीनियर इक्वेशन में, तो फ्रेंड्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हो 5 क्या है मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो फ्रेंड्स इक्वल उधर जाएगा RHS में, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई फ्रेंड डिवाइड में चेंज होता है, इट मीन्स 25 अपन में 5, तो फ्रेंड्स क्या आ गया एक्स की वैल्यू 5 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, अगर हम इसको अब चाहोगे प्रूफ करना, तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम इसको लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फ्रेंड्स आप एक्स की वैल्यू 5 रखो, आप जो एक्स की वैल्यू 5 निकला है इसमें रखोगे आप, तो फ्रेंड्स आ जाएगा आपका 7 5 इक्वल टू 25 प्लस 2 एंड 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स आपका 7 5 जो 35 इक्वल टू 25 प्लस 5 जो 10, तो फ्रेंड्स आपका आ गया क्या 35 इक्वल टू 35। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ आप देख रहे हो LHS इक्वल टू RHS है ना फ्रेंड्स, इट मीन्स हमारा जो लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है फ्रेंड्स सही है बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब आपको मैं अनदर टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करने का। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि ये है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ फ्रेंड्स दोनों यहाँ वेरिएबल है, यहाँ कॉन्स्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ कॉन्स्टेंट है, फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे सेपरेटिंग वेरिएबल करेंगे एंड कॉन्स्टेंट, तो फ्रेंड्स वेरिएबल को इधर कर लेंगे LHS में और कॉन्स्टेंट को उधर कर लेंगे RHS में, तो यहाँ फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 7x ये फ्रेंड्स प्लस का 2x है, तो फ्रेंड्स इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने कर लिया फ्रेंड्स LHS में वेरिएबल, अब कॉन्स्टेंट को RHS में कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ प्लस का 16 एज इट इज रहेगा एंड ये प्लस का माइनस का 9 है फ्रेंड्स, तो उधर जाके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0 को कुल जाएगा, तो प्लस माइनस का प्लस हो जाता है, देखो फ्रेंड्स ये प्लस हो गया, तो प्लस का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 9, तो फ्रेंड्स आप माइनस करो 7 माइनस 2x कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5x एंड इक्वल टू 16 और 9 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 25। ठीक है फ्रेंड्स, x की वैल्यू क्या जाएगी हम आपको 25 अपन में 5, बिकॉज फ्रेंड्स ये 5 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो जाकर डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप एज ही प्रूफ कर लोगे आपको LHS इक्वल टू RHS पुट करके, जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको अलग बताऊँगा एक रूल जो है फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है 2x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 4 इक्वल टू 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ओपन में 1 कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे कोई दिक्कत तो नहीं ना फ्रेंड्स, क्योंकि 2 ओपन 1 की वैल्यू है 2 ही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखो आप इसको क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे मेथड यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो फ्रेंड्स ये मल्टीप्लाई इससे होगा और ये इससे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 और ये 2x प्लस 5
इक्वल टू यहाँ फ्रेंड्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 4, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 5 इक्वल टू फ्रेंड्स 2 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 8, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे यूज़ करेंगे हम सेपरेटिंग वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। फ्रेंड्स आपको बता चुका हूँ पहले ही कि वेरिएबल को LHS में कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट को RHS में कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2x को यहीं रहने देंगे और इधर जो वेरिएबल है इसको हम फ्रेंड्स इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस प्लस का 6x है इधर जाकर माइनस हो जाएगा एंड इक्वल, और फ्रेंड्स यहाँ प्लस का 8 है तो ये 8 ही रहेगा, और फ्रेंड्स यहाँ प्लस का 5 है तो उधर जाकर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स माइनस करेंगे तो 2x माइनस 6x क्या हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस 4x इक्वल टू 8 माइनस 5 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें फ्रेंड्स x की वैल्यू निकालनी होती है तो फ्रेंड्स आप देख लो यहाँ पे x क्या है माइनस 4 है, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है किसी से उधर जाकर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स डिवाइड में हो जाएगा माइनस का 4, तो फ्रेंड्स ये हमारा x की वैल्यू आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं इन वन वेरिएबल्स। ओके फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।